हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो एमपी ट्रैफिक का एग्जाम हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। तो आइए बात करते हैं। पहला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया या किसने किया? जॉन रॉबिन्सन दोस्तों, 1936 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए खाता धारक की उम्र होनी चाहिए या जो बीमा करा रहा है, तो 18 से 50 साल। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? तो ये CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है, ओबोर का फुल फॉर्म है दोस्तों, ओबोर का फुल फॉर्म है वन वेंट वन रोड। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का सदस्य भारत है या नहीं? दोस्तों है, ये ब्रिक्स का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पांच विकासशील देशों का संगठन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है, WTO का फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, भारत की इकोनॉमी है दोस्तों, भारत की मिक्स अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो दोस्तों ये 12 डिजिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दास कैपिटल बुक किससे संबंधित है? दोस्तों ये इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, विदेशियों द्वारा देश में कमाई गई पूंजी जीडीपी में शामिल होगी या नहीं? दोस्तों ये होती है जीडीपी, दोस्तों किसी भी देश की जीडीपी से मतलब उस पूंजी से होता है जो देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई हो, देश की सीमा में कमाई गई हो, मतलब देश के अंदर जो पूंजी कमाई जाती हो एक सीमा के अंदर, उसे उस देश की जीडीपी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर है? दोस्तों ये 6ठे नंबर पर है। पहले कौन था? 6ठवे पे फ्रांस, फ्रांस को भारत आग पीछे छोड़कर 6ठवे नंबर पर आ गया है। भीम ऐप की फुल फॉर्म है दोस्तों, भीम ऐप की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि गवर्नमेंट ने काफी टाइम हो गया पहले स्टार्ट किया था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित है, गवर्नमेंट ने सब बोला है। KYC का फुल फॉर्म है दोस्तों, KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है, जो उज्ज्वला योजना है उसमें कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है? तो दोस्तों 1600 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको ये इकोनॉमी के 10-15 क्वेश्चन आपको बताए हैं। यदि ये वीडियो फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपकी मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।